दोस्तों, यह ऋग्वेद की पहली बुक का बहुत ही सुंदर श्लोक है। ऋग्वेद की फर्स्ट बुक चैप्टर 89 वर्स नंबर 1 में लिखा है कि जो भी इंसान नोबल थॉट्स रखते हैं या जिन भी लोगों के बहुत ही अच्छे विचार होते हैं, उन्हें हमें हमेशा ही सराहना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, तथा हमें भी नोबल थॉट्स को, अच्छे विचारों को हर तरफ से एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आज एक ऐसे ही ग्रेट पर्सनालिटी हु हैज ग्रेट नोबल थॉट्स, जिनके बहुत ही अच्छे विचार हैं, आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। वह भारत के जाने माने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, फोटोग्राफर और आर्ट प्रमोटर तो हैं ही, साथ ही साथ वह बहुत बड़े इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं और जिन्होंने बहुत सारे भारत के महान कलाकारों के साथ इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं। तो चलिए, ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी से आज हम लोग मिलने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस वेलकम आवर टुडेस गेस्ट मिस्टर निर्मल रतनलाल वैद्य सर। तो सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, चरण स्पर्श जी। तो सर, ये आज हमारा और हमारे शो का सौभाग्य है कि आपने हमें साक्षात्कार के लिए समय दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले सर, पहले मैं जानना चाहूंगा आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मीन्स कहाँ से आपने शुरू किया और आज कैसे आप इस मुकाम तक पहुंचे। मैं पूरी ये जर्नी जानना चाहूंगा। कला के प्रति मुझे बचपन से ही रुझान था जी, और मैं शुरुआती दौर में भी आप यह सोच सकते हैं कि मुझे संगीत सीखने का बहुत शौक, सुनने का बहुत शौक था। मैं बचपन में जागरण में जाया करता था सुनने के लिए, पूरी पूरी रात जाके जागरण सुना करता था। सिक्स का दौर है, मैं 60 में पैदा हुआ हूँ, तो मैं 67 68 की बात कर रहा हूँ जी। संगीत के प्रति जो प्रेम था, उसके माध्यम से स्कूल में भी जाना हुआ, तो स्कूल में भी म्यूजिकल एक्टिविटीज में भाग लेते थे, कोई एक्टिविटी में मिस करता था स्कूल के भी। जैसे कॉलेज में जाना हुआ तो वहां पर हमने थिएटर शुरू कर दिया, रंगमंच से मेरा जुड़ाव 78 से जब मैं कॉलेज में गया तभी से हो गया था, और इसके साथ साथ कॉलेज का मैं कल्चर सेक्रेटरी बन गया था फर्स्ट ईयर में। ओह, दैट्स ग्रेट। कॉलेज में मैंने काफी सारे इवेंट्स किए। मैं क्लासिकल, मैं चाहता था कि जो भारतीय कला संस्कृति है उसे युवाओं तक पहुंचाया जाए, क्योंकि उस समय दो राजनीतिक दल सब पॉप म्यूजिक के पीछे और वेस्टर्न म्यूजिक के पीछे, डीजे के पीछे, इसके पीछे सब लोग भागते थे। मेरा रुझान शुरू से ही, मैं क्लासिकल कहीं भी कार्यक्रम हो जाए, चाहे भीमसेन जोशी का हो, पंडित रविशंकर जी का हो, किसी भी बड़े क्लासिकल कार्यक्रम होता था वो भी जाके मैं सुना करता था। कॉलेज पास आउट करने के साथ फोटोग्राफी में शौकिया फोटोग्राफी करता था, और मुझे सबने कहा इतनी फोटोग्राफी करते हो, तुम क्यों नहीं न्यूज़पेपर मैगजीन्स में अपनी फोटो देते। मुझे नहीं मालूम था कि फोटो देने पर आपको वहां से पेमेंट मिलेगी। मुझे लगता था कि अगर आप फोटो देंगे तो उसके नीचे नाम होता था ना फोटोग्राफर का। विज्ञापन में पैसे लेते हैं ऐसे, शायद अखबार वाले उसके भी पैसे मांगेंगे मेरे से। मुझे बताया गया कि नहीं, आप जाओगे तो आपको इसका पेमेंट मिलेगी, और वो शुरुआत हो गई मेरी एज ए फोटो जर्नलिस्ट का करियर मेरा आरंभ हो गया। मैंने उसमें ट्रेनिंग भी ली, ओम प्रकाश शर्मा जी हैं दिल्ली में ही, उनसे ट्रेनिंग भी ली मैंने। लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ मेरा काम इतना अच्छा हो गया कि मैं एज ए फ्रीलांसर फोटोग्राफर, मेरी 500 से ज्यादा फोटोग्राफ्स सारे न्यूज़पेपर मैगजीन्स में छपती थी, लेकर धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, देश जितने भी अखबार थे उन सब में मेरे फोटोग्राफ
और उनमें भी मेरी रुचि थी ट्रेवल्स की। मैं फोटो भारत के जितने फेस्टिवल होते थे, कुंभ का मेला हो गया, कहीं भी कोई अपना पुष्कर का मेला हो गया, मैं इन सब चीजों के प्रति बहुत अधिक रुझान था, उन्हीं को मैं शूट करता था। फिर उन्हीं दिनों में फिल्म की शूटिंग सीरियल आने शुरू हो गए, महाभारत और बाकी जो सारे बॉम्बे से कलाकार आते थे तो उन सब का फोटो सेशन में करता था, और साथ साथ पत्रकारों को मैं बुला लेता था कि फला एक्टर आया हुआ है, चलो उनका इंटरव्यू करते हैं चलते। तो 10-12 जर्नलिस्ट मेरे साथ किसी भी स्टार का इंटरव्यू करने जाते थे, और मेरा होता था कि मैं जो फोटोग्राफी कर रहा हूँ मेरी हर जगह फोटोग्राफ छपेगी। और जी इसी दौरान सीरियल बनने शुरू हुए, सीरियल में फोटोग्राफी करनी शुरू कर दी। एज ए स्टिल फोटोग्राफर मैं कैमरामैन और डायरेक्टर के बीच में खड़ा होता था, जिससे मेरी वो ट्रेनिंग भी होती गई, जी जो बाद में मुझे जब मैंने अपने धारावाहिक बनाए, नीम का पेड़ पहला धारावाहिक था जिससे हम शुरुआत की, फिर एक था रस्टी सीरियल था जिसका मैं को प्रोड्यूसर थी, नितिन बॉन्ड की स्टोरीज के ऊपर बेस्ड था, मसूरी में शूट किया था सीरियल दूरदर्शन को, फिर सीरियल इसके बाद एक्शन के तहत एक सीरियल बनाया स्टंट्समैन के ऊपर, क्योंकि कोई भी फिल्म देखता है सबसे ज्यादा उसके जो एक्शन सीन होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जिज्ञासा थी, और फिर मैं शूटिंग देखा भी बॉम्बे में, और एक्शन सीन सबसे डेयरिंग होते थे, उसमें खतरा होता था, किस तरह से बाइक का जंप करना, किस तरह से मतलब अपना गाड़ी को पलटी कराना, बुलेट्स लगाना, फास्ट करने, ये सब जो एक्टिविटी होती थी। तो इसके प्रति हमारे एक स्टंट डायरेक्टर थे दक्षिण भारत के, रघु हसन जी, आज भी मैं उनके साथ बहुत काम कर रहा हूँ, और हाँ। वो नाटक के सबसे पहले स्टंट मैन और स्टंट डायरेक्टर, उनके साथ मिलकर हमने सीरियल बनाया एक्शन टू कट। ये भारत का पहला सीरियल था जो फिल्म स्टंट्स के ऊपर, कि स्टंट्स कैसे होते हैं, कौन करता है, उन वो हमारे हीरो थे। हर एपिसोड में या तो स्टंट डायरेक्टर या डुप्लीकेट या स्टंट मैन, उसी के ऊपर पूरा एपिसोड होता था। उसके बारे में फिल्म स्टार्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, एक्टर और उनकी फैमिली वाले बोलते थे वो जो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका चेहरा तो किसी को भी दिखाई नहीं देता। ये वो हीरो है जो अपना चेहरा छुपा के दूसरे के लिए स्टंट सीन करते हैं। हेलीकॉप्टर स्टंटमैन जो है जंप मारता है और एक ग्लास की छत तोड़ के नीचे गिरता है, फिल्म में दिखाया गया कि वो काम धर्मेंद्र ने किया, हाँ। लेकिन इस स्टंटमैन ने किया था, जब उसको हम दिखाते हैं तो ये दिल को बहुत अच्छा लगा कि ये भी एक कला है, और वो जो कलाकार है वो बेचारे गुमनामी में ही समाप्त हो जाते हैं, पहले ना अवार्ड मिलता था उनको, ना उनकी इंश्योरेंस होती थी, तो वो भी हम सब ने प्रयास करके उनको आज फिल्म स्टंट्स के भी अवार्ड मिलने शुरू हो गए, और जब से इंडस्ट्री है तो सबका इंश्योरेंस होना भी शुरू। दैट्स ग्रेट सर। तो आपने मैंने देखा कि आपने कितने सारे वर्क किए हैं सर, और सच में आपने जो बताया, आपने लाइफ में काफी मेहनत की है, लेकिन एक बहुत ही सुंदर सी शायरी है कि यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों से आगे उंगलियां, यूं ही नहीं होती हाथों में लकीरों से आगे उंगलियां, खुदा ने भी मेहनत खुदा ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। तो आपने सर तभी मेहनत की और अपनी खुद किस्मत लिखी, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। आगे बढ़ते हुए मैं जानना चाहूंगा कि सर इवेंट ऑर्गेनाइजिंग ये एक बहुत बड़ा रोल है, और जब आई गॉन थ्रू योर सीवी और रिज्यूमे तो मैंने उसमें देखा कि आपने इतने बड़े बड़े भारत के स्टार्स के साथ, जो सुपरस्टार्स माने जाते हैं, जो सिंगर्स हैं, उनके साथ आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किए, जो 9 मिस इंडिया है आपने उनके साथ इवेंट ऑर्गेनाइज किए। सो सर दिस इज अ रियली बिग टास्क, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या होती है मेनली इवेंट ऑर्गेनाइजिंग, और अगर मीन्स कैसे कितना डिफिकल्ट रहता है इस काम को करना। सो आई वांट टू नो अ ब्रीफ अबाउट दिस। बिल्कुल ठीक बात है, इवेंट्स जो हैं कोई डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले तो आपका एक एज ए हॉबी होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि मैं थिएटर डायरेक्टर रहा हूं, जब थिएटर में हम कुछ भी क्रिएट कर देते थे स्टेज के ऊपर, हम मतलब कोई
पीरियड क्रिएट कर सकते हैं। तो जब उसने मेरे को बहुत बड़ी हेल्प की, जब भी मैं कोई भी इवेंट करता था तो मैं सारे इवेंट लार्जर देन लाइफ बना देता था। हमने जैसे स्टार नाइट भी की, सब स्टार्स के साथ नाइट करते थे। मैंने पहली बार 92 में इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में स्टार नाइट सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, सॉरी डायमंड जुबली सेलिब्रेशन था एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का। तो उसमें मैंने नाम रखा है धूम धड़ाका। पहली बार मैंने 18 कॉमेडियन को एक साथ स्टेज पे लेके आया। मतलब आज आप स्टैंड अप कॉमेडी का शो देखते हैं, उस समय 92 में इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। बप्पी लहरी का ऑर्केस्ट्रा था, जया प्रदा थी, राकेश श्री थी, सिंगर्स थे, लेकिन जो मेन अट्रैक्शन था मतलब अपरानी, जगदीप, महमूद, मुकरी से लेकर गुड्डी मारुति, जितने भी लक्ष्मीकांत भिड़े, जितने भी इंडस्ट्री में कॉमेडियन थे, उन सबको लाकर एक साथ स्टेज पे परफॉर्म करवाया। और रात को 1 बजे तक शो चलता रहा, जो 8 बजे शुरू हुआ था वो शो। जब वहां ऑडिटोरियम में लाइट जला दी गई कि अब टाइम ओवर हो चुका है, तो उस समय जाके शो खत्म हुआ। इसी तरह से हमने उत्तराखंड में नैनीताल में अंताक्षरी की 2002 में, 2003 में नैनीताल में जो अंताक्षरी की, मैंने पूरे उत्तराखंड में 10,000 लोगों के ऑडिशन किए। और ऑडिशन करने हर डिस्ट्रिक्ट में जाके, मतलब पिथौरागढ़ तक से मतलब जाके भी हमने इंटरव्यूज किए, पहले ऑडिशंस किए। ऑडिशंस में हमने 240 सिंगर्स को सिलेक्ट किया। वो 240 सिंगर्स ने अनु कपूर के साथ 4 दिन की वर्कशॉप की नैनीताल में कि हाउ टू परफॉर्म ऑन स्टेज, क्योंकि पहली बार कर रहे थे। अभी क्या होता है कि आप टीवी के लिए प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको रिहर्सल होती है, उसके बाद कट हो जाएगा कुछ चीज, लेकिन लाइव स्टेज करने के लिए सबको एक कॉन्फिडेंस भी देना होता है। जो हमने फाइनल 24 सिंगर्स चुने, उनकी 8 टीमें बनाई और स्टेज पर जो हमने सेट बना के उसको लगाया, हमारे स्टेज के सामने 42,000 ऑडियंस बैठी हुई थी। ओह माय गॉड, इतिहास है। उस दिन नैनीताल में खाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि जिन लोगों का ऑडिशन किया था उन सबको भी मैंने इनवाइट कर लिया था उस कार्यक्रम में। तो के वो सब लोगों ने आके उस कार्यक्रम में बैठे, और उस दिन जो वो कार्यक्रम हुआ, लोग उसको आज तक भी नहीं भूलते हैं। ये पहला लाइव अंताक्षरी हुई थी जिसको, जिस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 41,000 थी, उस स्टेज के सामने 42,000 लोग बैठ के उस कार्यक्रम को देख रहे। वाओ, दैट्स जस्ट ऑसम। थैंक यू। इसमें फिर कोई भी मतलब जन्मदिन की पार्टी से लेकर शादी का उत्सव हो, कोई भी उत्सव हो, उसका हम चाह रहे थे कि अपने पौराणिक संस्कारों को वापस लाया जाए। बिल्कुल। उस तरह के सेट क्रिएट करने, शादी को उस तरह से करने की जैसे मान लीजिए आज से 2000 साल पहले जो शादी होती थी राजस्थान में, 2 वेन्यूज ले लिए गए, अभी तो कई होटल वहां के जो महल थे होटल बन चुके हैं लेने के बाद, तो रिक्रिएट किया गया कि एक रॉयल वेडिंग कैसे होती है। सारे किसी तरह से उसमें हाथी, घोड़े, ऊंट, पैदल सैनिक, जितने भी कलाकार थे उन सबको लेकर और उनके साथ मिलकर विवाह का उत्सव इस तरह से मनाया गया। छोटे छोटे कस्टम जो हमारे संस्कारों में थे, सोचिए जो रामायण में राम जी की शादी में जिस तरह के कस्टम्स हुए उनको रिक्रिएट कर, उसका उद्देश्य ये था कि जितने भी उसको देखने वाले हैं, वीडियो भी बनेगी, सब अपने कस्टम्स को, अपने संस्कारों को जान पाएं कि क्यों होते हैं इतने सारे विवाह पे, इतने सारे उत्सव, इतने सारे संस्कार। और उसको लेकर हमने अलग अलग तरह के कार्यक्रम इस तरह से हम रेगुलर करते हैं। फिर हमने फैशन शोज भी अगर हमने किए तो उसके थीम भी हमने मतलब इंडिपेंडेंस के ऊपर थीम रखा, भारतीय पोशाकों को किस तरह से सामने लाया जाए। हमने कार्यक्रम किया अपना पूर्वोत्तर एक उत्सव दिल्ली में। हाँ। इसके
आठों स्टेट से हमने करीब 500 आर्टिस्ट को बुलाया, ट्राइबल फोक आर्टिस्ट को बुलाया। 3 दिन का कार्यक्रम था। लास्ट डे हमने 4 घंटे का विवाह उत्सव कराए। पहले प्लान था कि फैशन शो कराया जाए, मतलब उन हर प्रदेश का। मैंने तय किया कि तो नहीं, हम आधे आधे घंटे का स्लॉट देंगे, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उन सब में शादियां कैसे होती हैं। देखिए, शादी दिखाने से आप बेस्ट कॉस्ट्यूम दिखा देते हैं, आप शादी दिखाने से बेस्ट उनके म्यूजिक जो है, डांस जो है, और जितने भी कस्टम्स हैं, वो सब स्टेज के ऊपर जब आते हैं तो, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये था कि वो नॉर्थ ईस्ट जो है भारत का ही हिस्सा है, ये लोगों को महसूस होना चाहिए। तो कुछ कस्टम्स देख के कहते हैं, अरे गुजरात वाला कहता है ऐसा तो हमारे यहाँ भी होता है, उधर साउथ वाले कहते हैं अरे ये हमारे यहाँ भी होता है, अगर ये असम में होता है, ये नागालैंड में होता है, या मणिपुर में होता है। तो काफी कस्टम्स उसी तरह कैसे वेलकम करते हैं, किस तरह से भोजन परोसते हैं, वो अलग अलग प्रकार से, हर राज्य का अलग अलग सिस्टम है। और ये भी इतना अद्भुत कार्यक्रम रहा कि उसमें भी सभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक दिन कार्यक्रम मुख्य अतिथि थे, एक दिन अडवाणी जी थे, और उसमें हेमा मालिनी जी भी थी, और बहुत सारे कलाकार जो पूर्व के, उन्होंने भी उसमें परफॉर्म किया। ग्रेट, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है सर। सच में आपने इतने सारे अपने मेहनत की और कहीं ना कहीं तभी आप आज इस लेवल पर पहुंच पाए हैं, क्योंकि भगवान ने भी गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्पूर्वाते संगोत्सवन कर्मणि। भगवान ने दूसरे अध्याय के 47 श्लोक में कहा है कि हे अर्जुन, तुम्हारा अपने कर्म पर ही अधिकार है, उसका फल तुम्हें मैं दूंगा। सो कहीं ना कहीं आज हम उसी को आप में देख सकते हैं कि भगवान ने आपको कितना अच्छे से ब्लेस किया है। सर, हमने देखा है कि आजकल, पहले तो अब आपने संस्कृति की बात कही है कि आजकल भारतीय संस्कृति पूरे भारत में लुप्त होती जा रही है। बोलने में ही बहुत ही अजीब लगता है कि भारतीय संस्कृति भारत में ही लुप्त होती जा रही है। जैसे कि अगर हम बात करें आपके टाइम पर, व्हेन यू वर बॉर्न, जब आप छोटे होंगे तब भी भारतीय संस्कृति का काफी प्रभाव रहा होगा, परंतु टाइम के साथ साथ आपने तो चेंजेस देखे हैं कि सारे लोग धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर की ओर चले गए, तो आप उसको रिवाइव करने का बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं भारत में, भारतीय संस्कृति को रिवाइव करने का। तो मैं जानना चाहूंगा कि भारत में तब से क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्यों लोग हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और कैसे हम इसको रिवाइव करें, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये हमारा सच में दुर्भाग्य है, जिस देश में 1200 वर्ष जो देश गुलाम रहा हो, उसको, उसकी संस्कृति को नष्ट करने का इन सब विदेशी आतताइयों ने बहुत प्रयास किए। तुर्क ने, हून ने, शक ने, मुगलों ने, कई शासक आए, भारत के ऊपर आक्रमण किया, लूट के चले गए भारत पे। हम छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे भारत में, 700-800 से ज्यादा छोटे छोटे राज्य थे, और निज स्वार्थ के कारण उन सब ने, जबकि भारत उससे पहले चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं हमारे यहाँ, जिन्होंने पूरे किया है, लेकिन क्योंकि ये समय का सूत्र है, ऊपर जाते हैं तो नीचे भी आते हैं, तो जब वो पूरे साम्राज्य पतन की ओर आए, विदेशियों ने आके हमारे ऊपर हुकूमत की, हमारे ऊपर राज किया, गुलाम रहे समय तक। उसके बाद दोबारा उठने के लिए जो सरकार को उस समय करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। 1947 में जापान में जैसे काम हुआ था, उस तरह से भारत में काम नहीं हुआ। दुर्भाग्य, एक ऐसा देश जिसको 3 नाम मिल गए। हम पहले भारत हमारा नाम था, उसके बाद मुगलों ने हमको हिंदुस्तान नाम दिया, ब्रिटिशर्स ने हमको इंडिया नाम दे दिया। तो इसी में ही हमारे युवा बच्चे कंफ्यूज हैं कि हमारे कंट्री का नाम क्या है, इंडिया, हिंदुस्तान और भारत, 3 नाम क्यों है किसी देश का। इसके अलावा भी जो हमारी संस्कृति
कुछ ऐसे कानून बनाए गए जिसमें हम अपने धार्मिक ग्रंथों को आज भी किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते। हमारे कानून धारा 30A है जिसमें आप कोई भी धार्मिक पुस्तक किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। बताइए, हमारा ज्ञान लेकर जर्मन के जो स्कॉलर आए थे, उन्होंने, मैक्स मुलर ने हमारे सारे वेदों को, हमारे सारे पुराणों को ट्रांसलेट करके, जर्मन में ट्रांसलेट करके उन्होंने इतना स्टडी किया, उससे साइंस इतनी उन्होंने तरक्की की कि आज जर्मनी किसी भी फील्ड में इतना आगे है, तो वो भारतीय जो ज्ञान था उसके माध्यम से। बिल्कुल। हमारे शासकों ने जो 1947 के बाद आए, उन्होंने सबको वेद, पुराण, गीता, रामायण पढ़ना बंद कर दिया। कितने दुर्भाग्य की बात है कि कोर्ट में तो आपको गीता के ऊपर हाथ रख के शपथ लेनी पड़ेगी, ठीक है जी। लेकिन गीता किसी स्कूल या किसी कॉलेज में पढ़ा नहीं। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ही सही बात कही है कि आपने जैसा कि कहा कि बहुत सारे हम पर, एक तो आक्रमण पहले इतने सारे हुए कि हम लोग बिल्कुल ही नहीं अपनी संस्कृति को आजकल बचा पाए, और कहीं ना कहीं भारतीयों की भी गलती है। और आपने जैसा कि नाम लिया मैक्स म्यूलर का, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे वेदों को पढ़कर बाहर तो ले गए, और कुछ कुछ लोगों ने तो यह भी किया जैसे कि उन्होंने हमारे ग्रंथों को ही मिस ट्रांसलेट करके उसका ही गलत मतलब निकाल के, जैसे कि मैक्स म्यूलर वगैरह ने बात का भतंगड़ बना के भारत में ही उसे पेश कर दिया, जिससे कि उनकी इमेज तो भारत में अच्छी हो गई, परंतु भारत में फिर ग्रंथों को लेकर रिवॉल्व होने लगे, और कहीं ना कहीं इसलिए ही धारा 30A और ऐसी धाराएं बनाई गई जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संस्कृति पर एक बहुत बड़ा आघात हुआ। तो हमें अब उसे वापस लाना ही है, क्योंकि भारत में जब भारतीय संस्कृति नहीं होगी तो बिल्कुल ही उस पर और संस्कृतियां आ जाएंगी, जिससे कि भारत में सिर्फ फूट पड़ने लग जाएगी, और फूट डालो राज करो, ये तो पूरी दुनिया ने भारत के साथ ट्राइडेड इंटरेस्ट टेस्टेड मेथड है। तो इसलिए ही सर मैंने भी एक मिशन लिया है, मैं भी एक मिशन लेकर चल रहा हूँ, मिशन संस्कार, जिसमें मैं भी लोगों को भारतीय संस्कृति के बारे में एडुकेट करता हूँ, कैसे भारतीय संस्कृति कितनी रिच है, कितनी अच्छी है, और उनको गीता और रामायण के माध्यम से समझाता हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, हमें उसको कैसे फॉलो करना है। अब जैसे कि भारतीय संस्कृति साइंस में कितनी आगे है, आप देखिए कि हमारे, हम कहें सूर्य सिद्धांत में पूरी हर उसका कितना मास होता है, कितना रिवॉल्यूशनरी पीरियड होता है, कितने उसकी सर्कमफेरेंस डायमीटर होता है, हर एक प्लैनेट का ग्रेविटी क्या होती है, ये पूरा जो दानव था, माया दानव ने पूरा ये सूर्य देव से ज्ञान लेकर फिर यह हमारी संस्कृति में आया था सूर्य सिद्धांत में, परंतु हम भारतीय उसे पढ़ते नहीं है, और फिर कहीं ना कहीं इसका श्रेय न्यूटन साहब को दे दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिस पर हमें गौर करना पड़ेगा, और गौर करने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो सर मैंने जैसा कि शुरू में श्लोक कहा था, अनुभद्रा कृतवो यन्तु विश्वतः, आपके सच में ही विचार मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए अब पहले मैं एक बार तो कमेंट्स लेना चाहूंगा, क्योंकि आपसे बात करने में मैं इतना गुम हो गया था कि चलिए मैं कमेंट्स लेना भूल गया। सो हमारे साथ ओके रिड्स जी जुड़ी हैं, वो पहले तो लिख रही हैं, ओके गुड इवनिंग सर, सुपर सर वो लिख रही हैं, देन सीएम सर लिख रहे हैं एक्सीलेंट, ओके, और ओके दिव्या मैम लिख रही हैं वाओ कांग्रेचुलेशंस अभी, थैंक यू मैम, और फिर लिख रही हैं यू आर डूइंग ग्रेट, थैंक यू सो मच, और हमारे साथ ओके रिड्स जी फिर लिख रही हैं ग्रेट सुपर सर, बिल्कुल ही आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और फिर लिली मैम लिख रही हैं ग्रेट, शरद सर हमारे साथ जुड़े हैं ग्रेट वर्क अभी, थैंक यू सर, एंड ओके वो लिख रही हैं यस सर प्लीज गाइड अस अबाउट हाउ टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट। तो सर क्या आप सच में कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे हम लोग एक कोई भी इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मीन्स कुछ भी छोटी सी टिप्स जो आप किसी बिगिनर को देना चाहें। देखिए, इवेंट ऑर्गेनाइज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हम इवेंट कहाँ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। एक तो स्टेज इवेंट्स हो जाते हैं, उसमें कौन सी ऑडियंस है, उसके लिए किस कलाकार का चयन करना है। ये तो नहीं कि जो भंगड़ा या सुनना चाहते हैं उनको हम गजल सुनाने लग जाएं,
जी जो इवेंट करना है उसके लिए हमें ऑडियंस भी कैसी आनी चाहिए इसके बारे में भी हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। ऑडियंस को भी हमें ट्रेन करना होता है और आर्टिस्ट को भी ऑडियंस के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना होता है। ये आप एक ही तरह से कभी भी कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो इसमें बहुत से करेक्ट आर्टिस्ट मेरे को इतना चाहते हैं, उनके साथ जब डिस्कस करते हैं इवेंट से पहले कि यहाँ की ऑडियंस ऐसी है, इनको लाइव सुनना है, इनके साथ अगर आप इंटरेक्ट करेंगे तो और ज्यादा वो आपको पसंद करेंगे, उनको अपने साथ गवाएंगे। इस तरह के भी कार्यक्रम होते हैं, 20-20, 30-30 हज़ार की ऑडियंस हो। नैनीताल में ओ कार्यक्रम की जी ऋचा शर्मा जी वहां आई हुई थी और उन्होंने जब उस कार्यक्रम को किया और बीच में बातचीत होते होते उनसे मैंने कहा और उन्होंने सच में गवाना शुरू किया और उसके बाद में उन्होंने मेरे को इतना थैंक्स बोला कि आपकी वजह से जी कार्यक्रम और ज्यादा सक्सेस हो गया। वो बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती हैं। लाइव परफॉर्म करने में ना कुछ जैसे एज ए थिएटर डायरेक्टर हम उनको हाँ बता सकते हैं। बहुत से अच्छे सिंगर हैं, आपने देखा होगा वो आंख बंद करके गाएंगे, हाँ ऑडियंस से कट जाते हैं। परफॉर्मेंस ऐसा लगना चाहिए कि वो सबको लगे कि वो आप उसके लिए गा रहे हैं, उसको देखकर उसके लिए गा रहे हैं। ये तो हो गया बिल्कुल लाइव होते हैं, उसकी पब्लिसिटी ढंग से होनी चाहिए, सेट अच्छा बनना होना चाहिए कि जिससे आप अच्छे विजिबल हो जाएं सबको। साउंड सिस्टम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इवेंट को करने के लिए। दूसरी तरफ आजकल जैसे आप देखते हैं कि वेडिंग डिजाइनिंग होती है, आजकल शादी कहीं भी आप छोटा सा जन्मदिन का भी फंक्शन करो उसको भी कैसे कितना अद्भुत बनाया जा सकता है। अब तो इतनी सारी इवेंट कंपनी आ गई हैं, इतनी सारी प्रॉप्स यूज होती हैं किसी भी कार्यक्रम में करने के लिए। शादी में ही आप देखते हैं, हमने तो इतना बड़ा परिवर्तन देखा शादियों में कि हाँ सोच भी नहीं सकते कि कितनी कितनी चीजें हेलीकॉप्टर तक यूज हो रहे हैं शादियों में। हाँ डेस्टिनेशन वेडिंग करनी और रिचुअल्स के साथ करना और उसके साथ में मॉडर्न टेक्निक का किस तरह से इस्तेमाल करना, फायरवर्क से लेकर और भी जितनी सारी चीजें हैं, इन सब चीजों के लिए पैसा ज्यादा नहीं खर्च करना पड़ता, सिर्फ अच्छी सोच होनी चाहिए। एक शादी हमने की थी, उसमें हमने क्या किया था, सारे मुगल बादशाहों की ड्रेस हाँ पहना दी। ओ आप सोचिए कि अकबर आ रहा है, उधर से जहांगीर आ रहा है, उधर से हुमायूं आ रहा है, उधर से जी शाहजहां आ रहा है, और लोग इतना खुश हुए, सब उनके साथ सेल्फी भी खिंचवा रहे, फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे, ओ चाहे उन्होंने सब मैंने जानबूझ के उनको ये किया कि वो हमारे देश के ऊपर जबरदस्ती राज करने आए थे, मैंने उन सब हाँ वेटर को उनकी ड्रेस पहना दी और वाह अपने उसको इतना पसंद किया। अभी हम अलग अलग थीम शादियों में कर देते हैं, कभी हम राजस्थान बना देते हैं, कभी गोवा थीम बना देते हैं, कभी बॉलीवुड का थीम बना देते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि बॉलीवुड के एक स्टूडियो में शादी हो रही है, आप दिल्ली में बैठ के आपको वाह ऐसा लगेगा कि आप गोवा में शादी कर रहे हैं, ओ वहां कॉस्ट्यूम, आप ऐसा लगेगा कि किसी डेन में शादी कर रहे हैं, हाँ जितने वेटर हैं वो सब जो है वो डाकू की ड्रेस में है, बंदूक लटकाई हुई है और वो आपको सर्व कर रहे हैं। कभी मछुआरे हैं, कभी दक्षिण भारत के पूरा थीम बेस जो है वो हमने कर दिया। तो सारी प्रॉप्स और सारी चीजों को लेकर ये ध्यान देना चाहिए कि विजुअली सब चीजें रिच हो। जैसे हमने बॉलीवुड थीम किया था तो जो स्टेज बना हमने मरीन ड्राइव बना दी पूरी, बॉम्बे ओ का जो मरीन ड्राइव है वो हमारी स्टेज का बैकड्रॉप था। और जी जितने डुप्लीकेट आर्टिस्ट थे उन सबको हमने हाँ बुला लिया, अच्छा बड़े स्टार्स के डुप्लीकेट हैं वो भी वहां पर आ गए। उसके हाँ बाद में पूरा शूटिंग हो रही है, मतलब क्रेन लगी हुई है, डायरेक्टर बैठा हुआ है, एक्टर शूटिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है पूरे उस वेन्यू को एक स्टूडियो की तरह कन्वर्ट कर दिया। गेट भी जो वाह था, जो फिल्म आती थी ना पहले, जो हाँ सेलोलाइट फिल्म आती थी, गेट जी पे जी वो से नीचे तक लगा दी, हर आदमी उस फिल्म को, फिल्म लटक रही है ऊपर से और उसको ओ खोल के उसके अंदर एंट्री कर रहा है। तो लाइक कर्टन्स वहीं से फीलिंग आती है उसको कि मैं नई जगह में आ गया हूं। हाँ आप बिल्कुल जस्ट एंटर इन द वेन्यू, आपको एक दूसरी दुनिया नजर आती है।
होर्डिंग्स लगे हुए हैं, सारी चीजें वो हो रही हैं, जैसे शूटिंग का माहौल होता है। तो कभी राजस्थान के गांव का माहौल बना दिया, कभी राजस्थान के महल का माहौल बना दिया। हम लगातार 6 दिन तक एक ही फार्म हाउस में अलग अलग वेन्यू क्रिएट कर देते थे। उसी को मेहंदी वाला फंक्शन ज्यादातर राजस्थानी थीम के ऊपर कर दिया। हाँ। वेटर से लेकर जितने भी काम करने वाले थे सब राजस्थानी कॉस्ट्यूम में थे, और जो भी गेस्ट आए सबको पगड़ी पहना दी, जेंट्स को, लेडीज को राजस्थानी चुनरी उड़ा दी, उनका भी सबका हाँ। गेटअप चेंज हो गया जी। सब नए स्वरूप में आ जाते हैं। तो इवेंट जब भी करें हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि वेन्यू को थीम कैसे चेंज करें, कलरफुल कैसे हो, वो म्यूजिक कौन सा चलना चाहिए, सिंगर भी आएंगे तो सिंगर को क्या गाना चाहिए, क्योंकि शादी में सिंगर हाँ। उस तरीके को नहीं ऑडियंस मिलती ना, सामने बैठ के कुर्सी पे बैठ के देख रहे हैं, तो आप 10 चीजें और हाँ। करते हुए आपको सुनना है, तो उस तरह का माहौल क्रिएट करना होता है जो सब जिसे एक यादगार मोमेंट अपनी बना सके। बिल्कुल ग्रेट सर, आपने बहुत ही अच्छी टिप दी है कि हमें हमेशा ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि लोगों को विजुलाइज हो कि हाँ हम लोग किसी दूसरी ही दुनिया में आ चुके हैं। तो सर अब मैं आगे बढ़ते हुए जानना चाहूंगा कि सर आप एक बहुत ही ज्यादा बड़े मीडिया कंसल्टेंट भी हैं, तो आपने 100 से ज्यादा सीरियल्स के लिए मीडिया कंसल्टेंट का काम किया है, जैसे कि अगर मैं नाम लूं चंद्रकांता का ऑफ 1994 या चाणक्य 1991, तो ऐसे ग्रेट सीरियल को आपने मीडिया कंसल्टेंट के तौर पर बनाया है, तो मैं जानना चाहूंगा दैट मीडिया कंसल्टेंट का मेनली काम क्या होता है, क्या कार्य करना होता है उन्हें, और कैसे होता है ये सब। सो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। बिल्कुल, जब फोटोग्राफी कर रहा था मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि वैसे हाँ, आते थे, मुझे जानकारी मिल जाती थी, और मैं कई पत्रकार दोस्त हैं उनको फोन करता था कि फला एक्टर आया हुआ है, महाभारत की कास्ट आई हुई है, चलो उनका इंटरव्यू करते हैं। वो इंटरव्यू हाँ। करते थे, फोटोग्राफ खींचता था, और वो अखबार में एक ही बार में एक कलाकार आता था, उसके 15-16 अखबार में इंटरव्यू छप जाते थे। मुझे किसी ने कहा ऐसे मीडिया कंसल्टेंसी क्यों नहीं करते, मैंने कहा वो क्या होता है, कहते जो तुम करते हो ना इसी को मीडिया कंसल्टेंसी कहते हैं। अच्छा। तो कोऑर्डिनेट करना है मीडिया को और इवेंट को, या कोई सेलिब्रिटी है, फिर जैसे सीरियल के बारे में अधिक से अधिक कैसे मीडिया में आए, उनको एक प्रॉपर जानकारी मिले। आप हैरान होंगे कि चंद्रकांता सीरियल दक्षिण भारत के 60 न्यूज़पेपर में पूरी स्क्रिप्ट छपती थी। ओह माय गॉड, अलग भाषा में नहीं आता था, तो क्या होता था कि 2 से 3 पेज छपते थे पूरी सीरियल के डायलॉग वाइज स्क्रिप्ट। तो वो लोग क्या करते थे, सामने रखते थे और देखते थे, हिंदी समझ नहीं आ रही है तो अखबार में साथ में पढ़ लेते थे। हाँ। अब तो जब हो जाती है, जब चाणक्य हाँ। आई थी, चाणक्य में बड़ी कठिन हिंदी थी, और हाँ। चाणक्य तो हमने, और दोनों सीरियल का मैंने 3 से 4 साल पहले पब्लिसिटी करनी शुरू कर दी थी। मैं जाता था सेट पे कैसे काम हो रहा है, मैंने चाणक्य के सेट पर जो पगड़ी बनाने वाले हैं उनका इंटरव्यू करके भी छापा, क्योंकि अच्छा। उस पगड़ी कैसे बनाई गई, उनके जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर हाँ। थे सलीम आरिफ, जो चंद्रकांता के भी थे और बहुत सारे हाँ। भारत के खोज के भी थे, एनएसजी ग्रेजुएट है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो कॉस्ट्यूम उन्होंने सब बड़े बड़े सीरियल का किया, उनका इंटरव्यू करना, कॉस्ट्यूम सिलने वालों का इंटरव्यू करना, सेट बनाने वालों से बातचीत करनी कि वो कैसे एक स्केच से कैसे इतनी बड़ी मूर्ति बना लेते थे। हाँ। तो पहले छोटी सी मूर्ति प्लास्टर पर मिट्टी की बनाते थे, फिर उसके बाद उस छोटी सी मूर्ति को फाइनल करने के बाद एक बड़ा सी मूर्ति बनाई जाती थी। आपने चाणक्य में देखी होगी कितनी बड़े बड़े उस हाँ। पीरियड पूरा क्रिएट किया हुआ था, चंद्रगुप्त पीरियड को जब दिखाना था आपको, उस समय स्टिचिंग नहीं होते थे कॉस्ट्यूम्स, तो इसलिए मेरे द्वारा चीजें अधिक छप। बाकी क्या करते हैं, केवल आप आर्टिस्ट का इंटरव्यू लिया, डायरेक्टर का लिया, प्रोड्यूसर के लिए, काम खत्म। लेकिन उसकी मेकिंग, उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है, एक गाना बनने में ही, मैंने तो उन लोगों का इंटरव्यू किए हुए हैं जिन्होंने
50 साल तक भारत भारत की हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सितार बन गई। मुगल अरे आजम से लेकर कितने हिट फिल्मों में जिन्होंने सितार बजाई उनको कोई जानता ही नहीं है, किसी बिल्कुल म्यूजिशियन को कोई नहीं जानता। उन म्यूजिशियन से बात करनी, साउंड रिकॉर्डिस्ट से बात करनी, आप साउंड इफेक्ट कैसे मुंबई में फिल्मों में साउंड इफेक्ट आते हैं, आप एक कागज लेके ऐसे करते हैं तो उसकी जो चरमराहट होती है हाँ वो तो फिल्म में सुनाई देती है। तो ये साउंड बिल्कुल इफेक्ट कैसे क्रिएट करने, जैसे आप देखते होंगे कि पहले भुशुम की आवाज आती थी, हाँ यस मारा जाता था एक टाइम पर, तो उसको क्रिएट करना, एक्शन सीन में कैसा म्यूजिक करना। तो उन एक्शन डायरेक्टर से लेकर जितने भी जो जूनियर डांसर्स हैं उन सबको लेकर इन सारे आयामों को जिसे लेकर एक सीरियल बनी, फिल्म बनी या एक नाटक भी बना, नाटक की भी पीआर की हमने, तो नाटक के पार्श्व में जितने लोग स्टेज पे होते हैं उससे ज्यादा लोग स्टेज के पीछे होते हैं, उनके बारे में करेक्ट बात करनी, उनके बारे में जानकारी देनी, कौन म्यूजिक दे रहा है, कौन लाइटिंग कर रहा है, किसने कॉस्ट्यूम किए हुए हैं, किसने सेट डिजाइनिंग की हुई। एनएसजी का मैंने बहुत सालों तक मीडिया कोऑर्डिनेशन देखा, मैंने बहुत सारी म्यूजिकल कंपनीज हैं एचएमवी से लेकर इन सब म्यूजिक कंपनियों का किया, काफी सारी फिल्मों का किया, सीरियल्स तो बहुत सारे किए। तो ये एक पूरी जर्नी चलती रही और उसके बाद में अपने सीरियल बनाने के बाद मैंने अंत में तय किया कि सबसे ज्यादा हमारे देश में लोक कलाकार और आदिवासी कलाकार हैं जो जी आज तक उपेक्षित हैं। और एक बड़ी रोचक बात उनके बारे में बताना चाहता हूं कि जो भारत 1200 वर्ष गुलाम रहने के बाद भी भारत की जो संस्कृति जीवित है वो हमारे लोक कलाकार और आदिवासी कलाकारों की वजह से है। उन्होंने बिल्कुल अपने उस काम को नहीं छोड़ा, लोक नृत्य के माध्यम से, लोक गायन के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, मूर्ति कला के माध्यम से, पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ऐस मतलब 400-400 पीढ़ियों से वो लोग एक ही काम कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति को हम तक किसने पहुंचाया, आप देखिए साउंड रिकॉर्डिंग करीब 125 साल पहले आई, महाभारत जी काल से लेकर आज तक लोकगीत, मंत्र को ही ले लीजिए, आज हम हाँ मंत्र का उच्चारण कैसे कर रहे हैं, श्रुति से, श्रुति से सुना कान से और उसको दोहराना शुरू किया। हजारों बिल्कुल वर्षों से मंत्र अगर अपने मौलिक स्वरूप में है तो ये भी तो एक कला है। अभी हमारे बिल्कुल संस्कृति ने मंत्र चैंटिंग वालों को भी कलाकार का दर्जा दिया है। वाह जितने आप देखिए इतने देश हैं दुनिया में, उन सब में आज से 1500 साल पहले क्या था किसी को नहीं मालूम, उसमें कौन सा बिल्कुल धर्म था, उस समय कौन सी उनकी संस्कृति थी, क्या रीति रिवाज थे, सब जड़ मूल नष्ट हो गए हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जिनके पास हमारी जो संस्कृति हमारे लोक कलाकार आदिवासी कलाकारों की वजह से जीवित है। और उसके लिए अब हमने काम कर रहे हैं, इसमें कल्चर मिनिस्ट्री पूरा सहयोग कर रही है, ट्राइबल मिनिस्ट्री हमारा पूरा सहयोग कर रही है, उनके साथ मिलके हम ट्राइबल टैलेंट हंट कर रहे हैं कि हमारे जी सर ट्राइबल्स में क्या क्या टैलेंट है उसको सामने लाया जाए, ना सिर्फ आर्ट एंड कल्चर में, स्पोर्ट्स में भी। हमारे ट्राइबल्स, हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने लिम्बा राम को आदिवासियों के हाँ पास जाकर आर्चरी के कैंप लगाए, जिनसे उन लोगों को वहां से लेकर आर्चरी में ट्रेन किया और वो लोग मेडल्स लेके आए एशियन गेम्स वाह में, कॉमनवेल्थ में, आज हो सकता है ओलंपिक में भी हम कुछ मेडल लेके आए। आदिवासी जो जिनके अंदर क्षमता है उनको हमने इग्नोर कर दिया, तो बिल्कुल इन कलाकारों को आगे लेके आना उसके लिए हम पूरे देश में प्रयत्न कर रहे हैं। आज 117 जिलों में हम आदिवासियों का मतलब ट्राइबल टैलेंट हंट करने जा रहे हैं। ये कोरोना की वजह से रुक गया था, जैसे कोरोना समाप्त होगा उसको आरंभ करेंगे। और फेसबुक इसमें हमारे साथ मीडिया पार्टनर है और ओ पूरे देश के हर राज्य के बेस्ट टीमों को सिलेक्ट करके उसमें से करीब 60 टीमें
फेसबुक हेडक्वार्टर जाएंगी यूएसए में, वहां जाके परफॉर्म करेंगी, और फेसबुक भारत के सारे आदिवासी कलाकारों को, डांसर्स को, म्यूजिशियंस को, सिंगर्स को, पेंटर्स को, इनको अपनी उस पे साइट पे फेसबुक पे दिखाएगा, जिससे जो जो सामान वो बना रहे हैं वो भी पूरी दुनिया में लोग उसको खरीद सके, चाहे वो मेडिसिंस है, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे उनका आर्टिजन, इतने बड़े पैमाने पर हमारे आदिवासी आज भी जो वो शहद बना लेते हैं, जो वो मेडिसिंस बना लेते हैं जंगलों में, वो हमारे बड़े बड़े कंपनी वाले भी नहीं बना पाते, और इतनी यूजफुल होती है। तो इन, ये बिल्कुल जो धरोहर है हमारी, इसको हम आगे लेके आए सब मिलके, और मैं अपील भी करता हूँ सबसे कि अपनी शादियों में, अपने कार्यक्रमों में, बजाय डीजे चलाने के, एक लोक फोक आर्टिस्ट के ग्रुप को बुला के डांस करवाइए। वो इतना अच्छा म्यूजिक बजाएंगे कि आप घंटों डांस कर सकते हो उनके साथ, बजाय डीजे पे डांस करने के। तो इससे हमारी अपनी संस्कृति को हम रिवाइव करेंगे, उनको काम मिलेगा, और हम उस सबको बचा सकेंगे, और उनकी वाइब्रेशन भी पॉजिटिव होती है जो वो वाद्य यंत्र बजाते हैं। बिल्कुल, ये मेरा कहना है। दैट्स ग्रेट सर। और सच में आपने इतना अच्छा बताया आपके मीडिया कंसल्टिंग के बारे में, और हमने सच में चाणक्य बहुत ही अच्छी सीरीज रही नहीं, सभी दूरदर्शन पर आई थी तो मैंने उस पर थोड़ा देखा था, पर चंद्र प्रकाश सर का जो इतना अच्छा वो था, आपने उसको सारे जनों तक पहुंचाया, तो आपने भी उस सीरियल की हम कह सकते हैं पब्लिसिटी में है, जितना पॉपुलर हुआ वो सीरियल पूरे भारत में कि आज तक भी वो डीडी पर दिखाया जाता है, तो कहीं ना कहीं मैं उसके लिए श्रेय आपको भी देना चाहूंगा। और आपने जो कहा बिल्कुल ही लोक कलाओं को हमें बिल्कुल संजो कर रखना चाहिए, हम आपके पीछे भी देख सकते हैं कितनी सुंदर सी ये पेंटिंग है जो शिव जी की आराधना करते हुए, दैट्स जस्ट ऑसम। और बिल्कुल सर जी ये हमारी लोक कला है, ये जो चित्र बनाया गया है हाँ ये हमारी लोक कला के माध्यम से बनाई गई है। हम पूरे देश में पेंटर्स को लेके पेंटिंग वर्कशॉप करते हैं, और ओ हमारी थीम भी यही रहता है, हम लोग ट्राइबल आर्ट्स के ऊपर पेंटिंग करवाते हैं, हम हाँ बेटी मेरा अभिमान इसके ऊपर हम पेंटिंग कराते हैं, हम कृष्ण और गाय के ऊपर पेंटिंग कराई, हम हाँ यूनिवर्सिटी में जाकर अपने फोक एंड ट्राइबल आर्ट के ऊपर वर्कशॉप्स करते हैं, ब्रह्म कुमारीज के साथ 3 साल हम पूरे देश से पेंटर्स को बुला के स्पिरिचुअलिटी के ऊपर पेंटिंग बनवाते हैं, योग के ऊपर बिल्कुल पेंटिंग बनवाते हैं, किसी भी विषय पे कोई सोच भी नहीं सकता, हम उस पे मेरी बेटी मेरा अभिमान हमारा एक कार्यक्रम है, और हाँ मेरी मेरा अभिमान और बेटी है अनमोल रतन, तो उस पर हम पूरे देश के स्कूलों में कार्यक्रम कर रहे हैं कि बेटे और बेटी का फर्क मिट सके केवल पेंटिंग के माध्यम से। वाह आज दैट्स हमारी ग्रेट बेटियां ओलंपिक में है, आज हमारी बेटियां फाइटर पायलट है, आज हमारी बेटियां अंतरिक्ष में जाती हैं, तो उस देश में आज भी सबको बेटा चाहिए, बेटी के लिए कोई किसी को आशीर्वाद ही नहीं है हमारे यहाँ, पुत्रवती भव है, दूधो नाव पूतो फल है, कोई आज तक किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया हो कि तुम्हें पुत्री हो, हाँ ये आशीर्वाद दे दिया तो रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। तो बिल्कुल मैं कला संस्कृति के माध्यम से, साथी वो पेंटिंग दिखाना बेटा, हम कला संस्कृति के माध्यम से जन जागरण करते हैं, हेल्थ के अवेयरनेस के कार्यक्रम करते हैं, अभी बिल्कुल जैसे बेटी है अनमोल रतन पे मैं आपको ये पेंटिंग दिखा रहा हूँ, ये देखिए, हाँ जी सर। ओह वाह कितनी सुंदर है, ये फर्स्ट प्राइज मिला है, बेटी है अनमोल रतन, ये दैट्स ग्रेट उस समय वुमेन एंड चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर मिनिस्टर थी, और इस पेंटिंग हाँ को फर्स्ट प्राइज मिला था पूरे देश में कंपटीशन। वाह इस तरह से अलग अलग विषयों पे हम कार्यक्रम करते हैं, जिसमें जो है, दैट्स अवेसम बिल्कुल तो ये इच्छा रहती है कि जितना हम कला के प्रति अपने बच्चों का रुझान जगाएंगे तो वो जाति हाँ पाति से और धर्म से भी ऊपर उठ जाएंगे। बिल्कुल सर, देखिए आप बिल्कुल म्यूजिक सुनते हैं, गाना सुनते हैं, कभी मन में आता है कि ये गायक कौन से धर्म का है?
हम किशोर कुमार को भी उतना ही प्यार करते हैं जितना मोहम्मद रफी को करते हैं, बिल्कुल बड़े गुलाम अली खान को भी उतने अच्छे से सुनते हैं जितने अच्छे से हम भीमसेन जोशी जी को सुनते हैं। और ये सब कलाकार आराधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पेंटिंग भी मेडिटेशन है। करेक्ट, बुद्धिस्ट पेंटिंग जो है सारी थंथा पेंटिंग कहलाती है, वो हाँ। पेंटिंग मंत्र चैंट करते हुए पेंटिंग बनाई जाती है। आप सोचिए उस पेंटिंग में कितनी वाइब्रेशन होगी। करेक्ट, इसीलिए हमको जब हम कुछ पेंटिंग्स देते हैं उसके हमारे को पॉजिटिविटी मिलती है। बिल्कुल सर, सारी चीजें रिचुअल्स हमारे हमारे पौराणिक जो भी चीजें थी वो सब अध्यात्म से स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई थी, ना कि रिलीजन से। बिल्कुल यू आर करेक्ट सर, आपने बिल्कुल सही कहा दैट विषय हाँ बिल्कुल ही स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई थी और हमें भी इसको फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये सब आर्ट ही तो है भारत के। जैसे कि पेंटिंग कला इतना बड़ा आर्ट है भारत का जो आजकल लुप्त होता जा रहा है। हम लोग कोई भी एक नॉर्मल पेंटिंग को हम लोग या कोई भी कलाकारी को हम लोग मॉडर्न आर्ट तो नाम दे देते हैं, बट जो एक्चुअल आर्ट है जो हमारे इतने सदियों से चला आ रहा है और अभी तक बचा हुआ है उसको हम लोग क्यों नहीं वो करते, मुझे नहीं पता। संगीत, गायन, वादन, ये सब बिल्कुल ही सही कहा। और आपने जो कहा कि जो मंत्रों का वो भी एक आर्ट ही है क्योंकि इतने सालों से डिसिप्लिन सक्सेशन चलता आ रहा है क्योंकि भगवान ने गीता में खुद कहा है एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षयो विदु सह काले ने हम होता योगो नष्ट परंतप। ये भगवान ने चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है कि गीता खुद डिसाइप्लिक सक्सेशन से गुरु परंपरा से आ रही है और अभी तक यह चल रही है जो हमें सीखने को मिल रही है। तो बहुत ही बड़ी बात आपने कही है सर कि हम भारतीय हैं तो हमें अपने आर्ट की रक्षा करनी है। और जो बेटी बताओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आपने कहा कि बेटी एक अनमोल रत्न है, बिल्कुल ही, क्योंकि भारत में तो हम लोग देवी की पूजा करते हैं परंतु बेटी को बिल्कुल भी मान नहीं देते। हम लोग काली माता, दुर्गा माता, श्रीमती राधा रानी की आराधना करते हैं लेकिन बेटियों को नहीं मान देते। तो ये आपने बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमें चीज बताई है। तो सर आपके कैरियर के बारे में और भी अन्य विषयों के बारे में हमने बहुत बातें की। अब हम आ जाते हैं सेलिब्रिटी कॉर्नर के थोड़े फन सेक्शन पर। इसमें हम लोग पूछेंगे कुछ थोड़े फन सवाल और आपको उनके जवाब देने हैं। सो आप तैयार हैं? जी जी बिल्कुल। तो चलिए सर, पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपका बचपन में फेवरेट गेम कौन सा था आपके बचपन में? आर्मी में जाने का। ओ वाओ, तो आप बचपन से क्या? हाँ जी, मैंने एनडीए भी किया था लेकिन मैं अकेला बेटा था तो मुझे नहीं जाने दिया। अच्छा ओके, तो आप बचपन में से मिलिट्री में जाना चाहते थे, यू वांटेड टू बी अ सोल्जर। यस ओके, आपका बहुत ही अच्छा सप्ताह था देश को सर्व करने का, बट आप एक अब दूसरे वे में भारत को भारतीय संस्कृति सिखाकर उसको सर्व कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी आपकी सेवा है जो आप देश को कर रहे हैं। आपके समय आपका हम बोल सकते हैं कि आप कौन सी, अगर आपके समय होती होंगी तो कौन सी कॉमिक्स पढ़ते थे आप? कौन से कॉमिक्स? कॉमिक बुक्स। हमारे यहाँ बचपन में ही मेरे पिताजी डॉक्टर थे। हाँ। हम चंदा मामा और मंडन हमारे यहाँ दोनों लगी हुई। ओ चंदा मामा एक इतनी अच्छी पुस्तक थी जो कई भाषाओं में छपती थी, कहानियां उसमें होती थी। तो मुझे लगता है जो संस्कार हमें मिले हैं उस कारण से हमारी नानी भी, हमारी बुआ भी जो बड़े थे वो भी हमें सत्संग करवाते थे। मैं बचपन से ही गीता पढ़ता था, सर्दी धो के धूप चांदे में गीता पढ़ता था। वाह, और बहुत ही दोनों कई बार पढ़े हैं मैंने। ये मेरे पिताजी डॉक्टर होने के बाद उन्होंने 5 धार्मिक पुस्तकें लिखी। उन्होंने उनका नाम था डॉक्टर शिव रतन लाल बर्क, उनकी बर्क गीता है। जैसे 700 श्लोक गीता के हैं वही 700 श्लोक आप पूरे रामायण की तरह पढ़ सकते हैं। मैंने वो रिकॉर्ड भी किया गीता। ओ और बड़ी आसानी से आप गीता को उसको पढ़ सकते हैं। गीता लिखी उन्होंने, रामायण लिखी, फिर दुर्गा सप्तशती लिखी, फिर गरुड़ पुराण और नाम गीता, ये 5
पुस्तकें उन्होंने लिखी जो अभी भी बहुत लोग उसको पसंद करते हैं, और हम उसको दोबारा भी दो पुस्तक मतलब पूरी छपी थी वो समाप्त हो गई, दोबारा उनको प्रिंट करवाएंगे। सर बिल्कुल ही, मैं भी पढ़ना चाहूंगा उन पुस्तकों को, क्योंकि आपके पूज्य पिताश्री ने इतने बड़ा ये काम किया है, तो ऑब्वियसली मैं भी जरूर ही इस पुस्तकों को मैं पढ़ना चाहूंगा। बताता हूँ, जैसे आपने अभी रामायण लिखी, हाँ, पिताजी ने भी 9 वर्ष की आयु में जम्मू कश्मीर पुंछ के गांव में उनका जन्म हुआ था, वहीं उन्होंने 9 वर्ष की आयु में एक रामायण का गुटका लिखा था, सिर्फ 12-13 पेज का है, और जिसमें पूरी रामायण आ जाती है, जैसे उससे बड़ा है। लेकिन आज भी हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं काफी लोग उसको लगातार उसको पढ़ते हैं। वाह, सच में सर, दैट्स ग्रेट थिंग, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है। सर आपके टाइम पर मैं जानना चाहूंगा कि आपके टाइम पर तो बहुत सारे हम बोल सकते थे टीवी तो आपके टाइम पर नहीं आया होगा, तो आप अपनी छुट्टियों में मींस कैसे अपने आपको एंटरटेन रखते थे? नहीं, हमारे रेडियो तो था, लेकिन मुझे याद है टीवी 69 में आ गया था, तो उसमें केवल चित्रहार आता था, और पहले एक फिल्म 2 दिन में पूरी आती थी, आधी एक अच्छा। दिन बुधवार को आता था, और सैटरडे और संडे को फिल्म आती थी। अच्छा, तो हमारे घर में शुरू में टीवी आ गया था, तो पूरा मोहल्ला, जैसे 26 जनवरी है या चित्रहार है या फिल्म देखनी है, तो 20-25 लोग अड़ोस-पड़ोस बैठ जाते थे इकट्ठे, फिल्म और टीवी पर, उस समय ब्लैक एंड व्हाइट कलर तो 82 रेडियो ही मनोरंजन का एक साधन था, या जो रिकॉर्ड आते थे ना, बड़े रिकॉर्ड थे, फिर छोटे रिकॉर्ड आए, रिकॉर्ड चला के म्यूजिक चलाया जाता था। अच्छा, वाओ, दैट्स ग्रेट सर। तो आपका फेवरेट फूड कौन सा, आपको खाना क्या पसंद है? मेरे वैसे देखिए, मैं खाने की मैं नया से नया खाना खाना भी पसंद करता हूँ। मैं कहीं भी चला जाऊं, मैं ये नहीं कहता कि मेरे को वो फला चीज खानी है। मैं केरल में जाऊंगा तो खाना खाऊंगा, आसाम में जाऊंगा आसाम का खाना खाऊंगा, गुजरात में जाऊंगा तो गुजराती फूड खाऊंगा। फेवरेट फूड भी क्या होता है कि हमारा, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर पुंछ के रहने वाले हैं, हमारा सबसे फेवरेट है राजमा चावल। अच्छा, ओके, राजमा चावल, जी हाँ, तो मींस वहां पर तो ये बहुत ही प्रचलित खाना है, तो दैट्स ग्रेट, आपको राजमा चावल बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपके फेवरेट एक्टर कौन से हैं? मेरे फेवरेट एक्टर जो सबके फेवरेट है, नंबर 1 पे अमिताभ बच्चन। ओके, उस समय तो वाओ, फेवरेट थे कि अगर मैं आपको अपनी 980 की फोटो दिखाऊंगा, हाँ, बिल्कुल अमिताभ बच्चन दिखेगा मेरे अंदर। हेयर स्टाइल उसी तरह के कपड़े पहनते थे हम, कॉलेज में भी जाते थे बेल बॉटम होते थे, उसी तरह के मतलब 30 इंच के इतने बड़े बड़े बेल बॉटम, और जो ड्रेसेस होती थी वो सारी ड्रेस में ना करता था। और मुझे तो याद है कि हमारे कॉलेज का एग्जाम शाम को होता था 3 से 6, तो हर एग्जाम वाले दिन में पहले अमिताभ बच्चन की फिल्म देखने जाता था, उसके बाद एग्जाम देने जाता था। ओह, ओके, दैट्स जस्ट ग्रेट सर। तो फिर आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है अमिताभ सर की? मेरी तो उनकी काफी फिल्म है, मतलब मुकद्दर का सिकंदर, शराबी, और ऑफ कोर्स शोले तो सबकी पसंद है। शोले तो ओवरऑल, शोले से बड़ी फिल्म कोई आज तक ना बनी है ना बनेगी। एक एक डायलॉग ऐसी फिल्म थी जिसके पान की दुकान पे भी कैसेट चलती थी और लोग आकर सुनते थे। अच्छा, ओके, युग हमने देखा है, लोग आजकल तो सबके लिए एक अफवाह होगा ये। जी बिल्कुल सर। तो सर अब यहीं पर चलिए हम लोग एंड करते हैं हमारा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड। तो अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, आपने बचपन में ऐसी कौन सी शरारत की थी जो अब आप याद करते हैं तो आपके फेस पर स्माइल आ जाती है?
ऐसी कोई शरारत आपको अगर याद है। नहीं, एक नहीं है, बहुत सारी है। मैं ओ स्कूल में भी, मुझे कहते थे कि ये सबसे शरारती बच्चा है, वो कहीं भी किसी ओके भी खुद चुप हो जाता था। वही लगता है मुझे, वो जो एक्टिंग थी ना, वो इनबिल्ड होती है आपके अंदर। एकदम मासूम जाता था, पिटाई दूसरे बच्चे की हो जाती थी। ओके तो सच में सर ये बहुत ही आपकी हम बोल सकते हैं फनी शरारत थी। तो सर सच में बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे बात करके। तो अब चूंकि हमारा समय हो गया है तो जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल, आप सोसाइटी को, समाज को, हमारे प्यारे दर्शक जनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको एक ही बात कहूंगा, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, जो जीवन में बनना चाहते हैं केवल उसके बारे में सोचें। हमारा मस्तिष्क इतना फर्टाइल है, हम जो सोचेंगे जीवन में वही हमारे साथ होगा। हम बिना कारण के दुखी होते हैं, बिना कारण के हम परेशानियों में रहते हैं। ईश्वर ने हमको दुखी होने के लिए नहीं भेजा है। हम अगर कुछ तकलीफ भी आ गई है, चोट भी लग गई है, अगर उसमें हम ज्यादा रोएंगे तो ज्यादा देर तक हमें दर्द महसूस होता रहेगा। अगर चोट लगी है और हम मुस्कुराना शुरू कर देंगे, उसको भूल जाएंगे और वो हमारी चोट उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। हम देखते हैं कि लोग बिना कारण के कहते हैं मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और अक्सर वो बीमार रहते हैं। कुछ भी हो हाँ जाए, जिंदगी में एकदम फिट हूं। मैं इस कोरोना काल में, मैंने पहले भी इसी टॉपिक पर इंटरव्यू दिया था कि कोरोना काल में केवल वही लोग बचे हैं जो पॉजिटिव थे, जिन्हें भरोसा था कि ये एक नॉर्मल वायरस है, इससे कुछ नहीं होगा। जो इससे डर, उन लोगों की मृत्यु हो गई। बिना बिल्कुल कारण के नॉर्मल बुखार को भी उन्होंने कोरोना समझ लिया और इस तरह से नेगेटिव सोचने लग गए कि अब मैं बचूंगा नहीं, और उनकी मृत्यु हो गई। मैं बिल्कुल पूरे सर। उस जी वो देश शोले में का भी भीड़ डायलॉग है जी, हाँ वो जी, शोले का भी, आपकी आपकी जो फेवरेट फिल्म है शोले, उसका भी तो डायलॉग है ना, जो डर गया सो मर गया। तो वास्तविक हम सब ने देख लिया आगे पीछे, जो बिल्कुल डर के हॉस्पिटल चले गए, वहां जाके और घबरा गए, उनको इतनी सारे लाखों रुपए भी देने के बाद नहीं बच पाए। और आप ये देखिए ना, हमारे देश में करोड़ों मजदूर उस समय पूरा ट्रेवलिंग किया उन्होंने, हाँ महाराष्ट्र से, गुजरात से, सारे बड़े शहरों से, बिहार, बंगाल, यूपी में गए, किसी को कुछ नहीं हुआ। हम बिल्कुल पॉजिटिव होके सोचें और जो अध्यात्म की तरफ हम सब जाएं। मंत्र उतनी महत्वपूर्ण चीज है, जितना मंत्र चैंट करेंगे उतनी पॉजिटिविटी हमारे अंदर आएगी, उतने हम स्वस्थ भी रहेंगे। बिल्कुल सर हमारा ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, मंत्र अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव ओरा बनाते हैं, आपको पॉजिटिव पॉजिटिविटी देते हैं, आपके सारे शरीर के अंगों को मंत्र स्वस्थ करते हैं, मंत्रों की जो वाइब्रेशन। बिल्कुल तो इसको अपनाएं, खुश रहें, सबको खुशियां दें, किसी ना किसी के चेहरे पर रोज मुस्कान आपके द्वारा आनी चाहिए, ये अपने जीवन में सोचिए, तभी आप सही मायने में मनुष्य कहलाएंगे। ग्रेट सर, आपने बहुत ही अच्छी टिप्स दी है कि हमेशा ही मुस्कुराते रहिए और अध्यात्म की तरफ झुकाव हमेशा रखिए, और मंत्रों को हमें जरूर चैंट करना चाहिए, क्योंकि अगर संस्कृत में मंत्रों का एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो वो होता है मनः त्रायते इति मंत्र, यानी कि जो मन को हमारे तार दे वही मंत्र होता है। तो सर ने बहुत ही अच्छी बात कही है और हम सभी को इसे फॉलो करना है मेरे प्यारे दर्शकों। तो सर आपका सेलिब्रिटी कॉर्नर में एक्सपीरियंस कैसा रहा और मेरे लिए कोई सलाह? मैंने बहुत अच्छा रहा तुमसे, तुम्हारे जैसा बालक इतना विद्वान, इससे जानकर मेरे को सच में बहुत खुशी हुई है। मैं चाह रहा हूं तुम जीवन में आगे बढ़ो, और ये जो ज्ञान है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे जी पास पूर्व जन्म का ज्ञान है। हम जो हमारी जो अध्यात्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, उसमें यही है, हम जो भी अर्जित करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो ज्ञान रहता है, और ये जन दर जन आगे ही बढ़ता है, वरना वाल्मीकि रामायण नहीं लिख पाते। एक बिल्कुल जो पूरा जीवन डाकू के रूप में अपना जीवन बिताया हो, और उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ कैसे लिख दिया, ये उनके पूर्व जन्म का ज्ञान था।
बस उनका जब वो अनलॉक हुआ, उनकी जो मेमोरी जो फ्लॉपी जो थी वो जब लॉक्ड थी, जो अनलॉक हुई और उसके बाद उनको वो ज्ञान था, उसके माध्यम से उन्होंने रामायण लिख दी पूरी। बिल्कुल। तो सच में सर बहुत ही आपने बड़ी बात कही, और हम सभी को भी अपने जो अंदर का पोटेंशियल है उसको अनलॉक करना है और सारी दुनिया को ये बता देना है कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, सर ने वाल्मीकि जी का एग्जाम्पल दिया, जो रत्नाकर जी से महर्षि वाल्मीकि जी बन गए, तो आप समझ ही सकते हैं डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बनना ये बहुत ही बड़ी बात है। तो हमें भी अपने हर काम पर, अपने लक्ष्य पर हमेशा हमें फोकस करना चाहिए और उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है, भगवान ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर भगवान ने बताया है 6.35 में कि कैसे हमारा मन जो है वो बहुत ही चंचल है, चंचल ही है एकदम, बिल्कुल ही हमेशा इधर उधर भागता रहता है। तो हमें क्या करना है, उसको बांध के रखना है और उसको कभी भी अपने लक्ष्य से हिलने नहीं देना है। तो यही शिक्षा दी है भगवान ने 6.35 में अर्जुन को, जो बिल्कुल भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया है, ठीक। असंशय महाबाहो बहुत मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण क्रियते। खूब, बहुत। मैं अंत में अपने पिताजी का एक शेर सबको सुना देना चाहता हूं, बिल्कुल सर, बिल्कुल श्योर। जो यकीनन हमसे बेहतर ढूंढता है, यकीनन हमसे बेहतर ढूंढता है जो कतरे में समंदर ढूंढता है, यकीनन हमसे बेहतर ढूंढता है जो कतरे में समंदर ढूंढता है। जमी पे है जन्नत और दोजख, जिन्हें तू आसमानों पर ढूंढता। बिल्कुल यही है, किसी आसमान पर नहीं है। तो हमें यही सब स्वर्ग और नर्क मिल जाता है, वो आपके कर्म के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही बड़ी बात कही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपने इतने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और आप हमारे शो में आए, ये हमारे शो का सौभाग्य था सर। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्ते सर, बस आप आशीर्वाद रखिए, वापस एक बार चरण स्पर्श। खुश रहिए। तो दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़े थे निर्मल सर और करीन से हमने बहुत सारी बातें और इनसे बहुत सारे भारतीय संस्कृति के बारे में हमें चीजें जानने को मिली। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते, मिलेंगे हम एक नए गेस्ट के साथ, होगी एक कुछ नई बात, एक नई मुलाकात। तब तक के लिए आप लोग कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड विद सेलिब्रिटी कॉर्नर विद अभी। तब तक के लिए बाय बाय, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय हनुमान, हरे कृष्णा।